हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे टॉपिक को जो आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरे चैप्टर को थोड़ा और आगे लेके चलता है। सीए फाउंडेशन लेवल पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिक भी है और बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, आपको समझने में ईजी रहेगा। अभी तक टोटल 6 यूनिट्स जो पूरा ICA के अंदर है उसमें हमने 4 यूनिट्स कंप्लीट कर ली है। दिस इज आर 5th यूनिट, जैसा कि आपको टाइटल दिख रहा होगा, यूनिट 5th, ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स रेमेडीज, यानी कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को क्या आप ब्रीच कर सकते हैं, ब्रीच कर सकते हैं यानी कि क्या उसकी टर्म्स को अगर आपने फॉलो नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच हो जाता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म भी हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स कंडीशन को आपने नहीं मानी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट टूटने की कगार पर आके खड़ा हो गया है, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कोई भी पार्टी कर सकती है, पहली बात। दूसरा, यहां पर प्रोमिसर है और प्रोमिसी है। सो प्रोमिसर ने बोला कि मैं आपको ये करूंगा, पक्का ये प्रोमिस है, अगर वो अपने प्रोमिस को पूरा नहीं करता है तो उसने ब्रीच कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट का, तो क्या उसके लिए रेमेडीज है? रेमेडीज किसके लिए होगी? ऑब्वियसली सामने वाली पार्टी के लिए होगी जिसने यहां पर नुकसान उठाया है। तो इस पूरे वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आखिरकार होता क्या है, रेमेडीज के नाम पर क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है, सेक्शन 73-74 के साथ में हम देखेंगे कि डैमेजेस का कैसे यहां पर आप रेमेडी में फायदा उठा सकते हैं, डैमेजेस को रिकवर कर सकते हैं और भी दूसरी रेमेडीज को यहां पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं यूनिट 5th, ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स रेमेडीज अंडर ICA for CA Foundation. Let's start. So, दोस्तों बात यहां पर चल रही है ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और उसके रेमेडीज के बारे में। आपको यहाँ पर हेडिंग दिख रहा होगा स्क्रीन पर, 1.5 ICA यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 का 1 यानी कि फर्स्ट चैप्टर है, उसकी 5th यूनिट है जिसका नाम आपको दे रखा है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स रेमेडीज। तो हम सबसे पहले तो यहाँ पर इस चीज़ को फेस करेंगे और समझेंगे कि ये ब्रीच का मतलब है क्या, ठीक है? तो ब्रीच का मतलब हम देखेंगे और ऑब्वियसली हमको पता है कि दो पार्टीज तो हमारे सामने है ही सही, एक प्रोमिसर है और दूसरी यहाँ पर प्रोमिसी है, ठीक है? जो प्रॉमिस करता है कि लेट्स से मैं आपको इतनी डिलीवरी दूंगा गुड्स की सो एंड सो डेट पर, लेट्स से 10th of January 2020 को, अगर उसने ये प्रॉमिस किया है कि वो इतने गुड्स, लेट्स से 10 यूनिट्स ऑफ एनी गुड वो डिलीवर करेगा, तो उसको वो करना चाहिए। अगर वो नहीं करता है तो वहाँ पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है? सो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि कोई भी, सिर्फ डिलीवरी की बात नहीं है, कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन अगर कॉन्ट्रैक्ट में दो लोगों के बीच में तय हुई है और उसको वैसा फॉलो न करना ब्रीच कहलाता है, और ब्रीच हो गया मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने की कगार पर आ गया है। ओके, सो यहाँ पर क्लियरली हमको क्या समझना पड़ेगा कि पहले ब्रीच क्या है, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पर उठता है वो है वेज, कितने तरीके से ब्रीच यहाँ पर हो सकता है, तो क्या क्या तरीके हैं वो हम देखेंगे। अच्छा, एक बार ब्रीच हो गया तो उसका इफ़ेक्ट क्या होने वाला है, क्या यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, क्या सामने वाली पार्टी डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकती है, क्या आपके अगेंस्ट में सूट फाइल किया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब इफ़ेक्ट्स हमें यहाँ पर सेकेंड पॉइंट में समझना होगा, इनफैक्ट थर्ड पॉइंट में, बिकॉज सबसे पहले हम समझेंगे ब्रीच क्या है, फिर उसके तरीके, फिर उसके इफ़ेक्ट और सबसे लास्ट में हम देखेंगे रेमेडीज। यस दोस्तों, रेमेडीज मतलब कि सामने वाली पार्टी है, अगर उसको तो यहाँ पर नुकसान हो गया ना, ज़रूरी नुकसान हो हमेशा, बट अगर नुकसान हो गया है तो उसको तो रेमेडीज चाहिए रहेगी। अगर फिनेंशियल उसको लॉस नहीं भी हुआ है तो भी क्या वो सामने वाली पार्टी को सू कर सकती है, उसके खिलाफ क्या केस कर सकती? हो सकता है यार कि पैसे का नुकसान ना हुआ हो लेकिन इज्जत का नुकसान हो गया हो, लाइक बिजनेस में बहुत यहाँ पर उनको हार्म पहुँचा हुआ हो, तो ऐसे अगर केसेस हुए हैं तो कुछ रेमेडीज़ अवेलेबल है सामने वाली पार्टी के लिए, यानी कि प्रोमिसी के लिए। वो रेमेडीज़ क्या होगी वो हम यहाँ पर समझेंगे। इस तरीके से टोटल 4 पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, बहुत बड़ी यूनिट नहीं है, इसको हम बहुत ही शॉर्ट मैनर में समझने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वही यहाँ पर लिखी हुई है, बट थोड़ा डिटेल्ड में ओवरव्यू दिया है। अब ये ओवरव्यू अगर आप थोड़ा सा एक ब्रॉड यानी कि बर्ड आई व्यू जैसे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले ब्रीच, मैंने आपको कहा कि मैं आपको ब्रीच समझाऊंगा क्या होता है और उसके कितने तरीके होते हैं। तो पहला है एंटीसिपेटरी ब्रीच और दूसरा है एक्चुअल ब्रीच, और उनकी रेमेडीज क्या है फिर वो चालू होती है। तो ब्रीच क्या है, ब्रीच के कितने तरीके हैं, और अगर वो हो गया है तो क्या रेमेडी हमारे पास में अवेलेबल रहेगी, ठीक है? तो इन्होंने यहां पर रेमेडीज बोलना चालू करी, कितना, 1,
5 रेमेडीज इन्होंने यहाँ पर हमको बताई है। पहला क्या है कि आप डैमेजेस के लिए केस फाइल कर सकते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकते हैं यानी रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए केस फाइल कर सकते हैं, इंजक्शन के लिए आप केस फाइल कर सकते हैं और क्वांटम मेरिट के बेसिस पर भी आप सूट फाइल कर सकते हैं। तो ये 5 तरीके हैं जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं जो हम इस पूरे वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। बट जब डैमेजेस की बात आई ना तो उन्होंने बोला डैमेजेस भी ना बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। अगेन 5 टाइप्स के डैमेजेस हैं यहाँ पे। पहला है ऑर्डिनरी, स्पेशल, विंडक्टिव, नॉमिनल एंड प्रीफिक्स्ड। और प्रीफिक्स्ड में आ जाएंगे तो लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी दोनों अलग अलग चीज़ होती है। इन दोनों के बीच में हमें डिफरेंस भी समझना होगा। इस तरीके से हम देखिए कहाँ से कहाँ हैं। हमने सबसे पहले ब्रीच के बारे में समझा, ब्रीच होता क्या है। ब्रीच के 2 तरीके हैं, पहला है एंटीसिपेटरी, बराबर है, और दूसरा है एक्चुअल। इन दोनों को समझा हमने, ये हमने फाइल यहाँ पर ही क्लोज कर दी। उसके बाद में हमने चालू करी फाइल रेमेडीज़ की, राइट। तो रेमेडीज़ की फाइल हमने चालू करी। आपको ऐसा लग रहा होगा पढ़ाया कुछ भी नहीं है, रिवीजन हो रहा है पूरे चैप्टर का, हम इसी स्टाइल में पढ़ने वाले हैं। आपको चैप्टर पूरा अंदर उतर जाएगा, चिंता मत कीजिए आप, ठीक है। रेमेडीज़, सो रेमेडीज़ में यहाँ पर हमने 5 सिचुएशन देखी है टोटल, ठीक है, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, डैमेजेस। डैमेजेस अगर आपको समझना है तो 5 तरीके के डैमेजेस होते हैं, वो आपको समझना पड़ेगा। और सबसे लास्ट डैमेजेस, प्रीफिक्स डैमेज के वापस 2 पार्ट्स होते हैं, जो है लिक्विडेटेड और पेनल्टी। इस तरीके से पूरा चैप्टर का फ्लो चलेगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस पॉइंट को क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद हम डैमेजेस को चालू करते हैं और फिर बचे हुए जितने भी दूसरे रेमेडीज हैं उनको भी समझेंगे हम साथ में, ठीक है। सो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नाउ। सो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच समझ लिया हमने कि यार कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन को अगर हम फॉलो नहीं करते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ TNC, टर्म्स एंड कंडीशन को अगर फॉलो नहीं किया गया है तो यहाँ पर इट इज़ कॉल्ड ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। नाउ हमें स्टार्टिंग से हमने जब पूरा कॉन्ट्रैक्ट समझा तो हमने सबसे पहले देखा कि एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए उसके एसेंशियल एलिमेंट्स का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो गया इससे सब कुछ काम नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के बाद में उसका परफॉर्मेंस भी होना चाहिए, बराबर है। तो वो अच्छे तरीके से, यानी कि जैसे परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया था वैसा परफॉर्म हुआ है कि नहीं हुआ है वो चेक करना ज़रूरी है। अगर ऐसा परफॉर्मेंस नहीं हुआ है जो कॉन्ट्रैक्ट में रिक्वायर्ड था तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट अब यहाँ पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की जगह आकर खड़ा हो जाएगा। सो इसीलिए इस चैप्टर में हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कैसे कंपनसेशन कर सकते हैं अगर ब्रीच हुआ है तो, ठीक है। अब देखिए ब्रीच, आपने वर्ड सुना होगा, ब्रीच वर्ड को अगर हम देखें तो लॉ के लैंग्वेज बोलते हैं हम, या लॉ का ब्रीच हो गया, आपने एक्ट का ब्रीच कर दिया है, आपने नेशनल सिक्योरिटी का ब्रीच कर दिया है, यानी कि कोई भी चीज़ को तोड़ देना वो है यहाँ पर ब्रीच। इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को आपने यहाँ पर तोड़ दिया, आपने उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को नहीं समझा और उसको वैसे परफॉर्म नहीं किया जैसे करना चाहिए था, तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अब आप आकर खड़े हो गए। सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग लेट्स गो अहेड विद द वेज कि कितने तरीके से आप यहाँ पर ब्रीच कर सकते हैं। पहला तरीका है एक्चुअल, यानी कि असली में हकीकत में उसने ब्रीच कर दिया है। आज की तारीख में उसने बोला मैं 1 जनवरी 2020 को मैं आपको 500 रुपये दूंगा, बहुत कम हो गए, चलिए 5000 रुपये दूंगा। अब उसने 1 जनवरी को आज सुबह जब पैसे देने थे उसको, उसने मना कर दिया, तो ये एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। जिस डेट पर जिस चीज़ का वादा किया गया था वो वहाँ पर वैसे परफॉर्म नहीं किया गया है, मतलब कि ऑब्लिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। सो ब्रीच मीन्स फेलियर ऑफ अ पार्टी टू परफॉर्म हिज और हर ऑब्लिगेशन अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच मतलब क्या हो गया कि अपना काम नहीं किया, वो ब्रीच है, सिंपल सी बात है। नाउ दूसरा क्या है एक्चुअल के बाद में, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। एंटीसिपेटरी का मतलब क्या होता है, हमने ऐसा एंटीसिपेट किया, हमने ऐसा एक्सपेक्ट किया कि ऐसा होने वाला है। आपने ऐसा एक्सपेक्ट कैसे कर लिया, या तो सामने वाली पार्टी ने कुछ ऐसा बोला होगा या फिर सामने वाली पार्टी के कंडक्ट से आपको समझ में आया होगा कि यार ये ना अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करने वाला है। अब जैसे अभी जो मैंने एग्जांपल लिया उससे आपको सबको समझ में आ जाएगा, आने वाले 3 पेज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए मैंने आपको बोला कि 1 जनवरी 2020 को मैं अपने गोडाउन से आपको टोटल 5000 लीटर्स ऑयल सप्लाई करूंगा, पर लीटर जो रेट रहेगा वो रहेगा 75 रुपीज़,
ठीक है, 75 रुपीज़ का, 5,000 लीटर्स एट द रेट ऑफ 75 रुपीज़ अ लीटर मैं आपको ऑयल सप्लाई करूँगा ऑन विच डेट, 1st of January 2020। ये बात ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट में आ चुकी है और इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया है, साइन हो गया है, दोनों अपने अपने घर जा चुके हैं। अब होता क्या है, देखिए सबसे पहले हमको क्या समझना है, सबसे पहले हमको समझना है कि यार एक्चुअल क्या होगा। सो एक्चुअल का मतलब क्या है और एंटीसिपेटरी का मतलब क्या है। अब देखिए एंटीसिपेटरी का मीनिंग क्या होता है कि हमने ऐसा एंटीसिपेट किया, एक्सपेक्ट किया कि फ्यूचर में ऐसा होगा, यानी कि अभी क्या हमारी परफॉर्मेंस की डेट आ चुकी है क्या, नहीं आ चुकी है, मतलब कि फ्यूचर में ऐसा होगा मीन्स बिफोर आर परफॉर्मेंस डेट, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, यस बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें स्पेस बना देते हैं हम, बिफोर आर परफॉर्मेंस डेट, मेरा एरो पीछे की तरफ जा रहा है और एक्चुअल में मैं यहाँ पर बना रहा हूँ एरो इस तरीके से, यानी कि ऑन द डेट जब मुझे परफॉर्म करना चाहिए था और मैंने मना कर दिया। सो अगर मैंने 1st of January को वादा किया और मैंने 1st of January को आपको फ़ोन किया सुबह सुबह कि मैं आपको ये डिलीवरी नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे पास में इतना ऑयल अवेलेबल नहीं है और मुझे 75 रुपीज़ बहुत कम लग रहा है, मैंने मार्केट रेट पता किया है, तो ऑब्वियसली बी क्या बोलेगा, यार अपने बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आप इसे मना कैसे कर सकते हो, और आप उसी दिन आकर बोल रहे हो जिस दिन आपको परफॉर्म करना था, राइट तो ये हुआ एक्चुअल, मतलब कि यू हैव रीच योर डेट ऑफ द परफॉर्मेंस और आप उसी डेट पर प्रोमिसर ने मना कर दिया, उसने हाथ खड़े कर दिए, उसने कहा नो आई कांट डू इट, आई वोंट डू इट, ओके। एंटीसिपेटरी मतलब क्या हो जाएगा, एंटीसिपेट क्या फ्यूचर में, यानी कि अभी परफॉर्मेंस की डेट आई है क्या, नहीं आई है पहले ही। तो क्या होता है कि ए फोन करता है बी को, कब फोन करता है, वो फोन करता है लेट से 30th of December 2019 और वो बोलता है बी को हैप्पी न्यू ईयर बॉस इन एडवांस, ठीक है, बस मैंने इसलिए फ़ोन किया है कि जो 5000 लीटर का ये जो कॉन्ट्रैक्ट अपन ने किया है वो आप 5000 लीटर थोड़े से रेडी रखना और आप मुझे ये गोडाउन का मेरा एड्रेस है और आप इस जगह यहाँ पर 75 रुपीज़ के रेट से जो हमारा वादा हुआ है वो आप सारा ऑयल वहाँ पर डिलीवर कर देना। सो यहाँ पे ये भाई साहब क्या करते हैं, ए ए अब यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़ क्या है यहाँ पे कि ए बार बार फ़ोन किया जा रहा है ए को और बी उसको कॉल कर रहा है और ए इज़ नॉट रिसीविंग हिज कॉल्स, मतलब कि वो बात करने के लिए तैयारी नहीं है और ऐसे दो दिन हो गए या तीन दिन से कॉल करे जा रहा है और ए उसका फ़ोन नहीं उठा रहा है, मतलब कि इसके बिहेवियर से क्या पता चल रहा है कि यार हो सकता है ये अपनी डिलीवरी सही टाइम पर नहीं देगा। अभी परफॉर्मेंस की डेट आई है क्या, नहीं आई है, जिस दिन परफॉर्म करना है वो क्या है 1st of January, उससे पहले ही सारा कांड चल रहा है, ठीक है, कि वो फ़ोन उठाने में मना कर रहा है, इतनी देर में उसकी बात हुई और ए ने बोला यार बहुत लॉसेस में चल रहा हूँ मैं और मैं शायद ही इतना स्टॉक नहीं है मेरे पास में, न्यू ईयर में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मेरे लिए सेल हो रही है तो मैं शायद ही आपको कर पाऊँ। अभी उसने 1st of January के पहले ही उसने ऐसा कुछ बोल दिया या ऐसा कुछ उसके कंडक्ट से मालूम चल गया, तो यहाँ पर दो चीज़ें लिख सकते हैं, या तो हम कंडक्ट लिख सकते हैं या फिर हम लिख सकते हैं एक्सप्रेसली उसने कुछ ऐसा बोल दिया, मतलब कि अभी डिलीवरी की डेट आई नहीं है, परफॉर्मेंस की डेट आई नहीं है और उसी से पहले ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करेगा, मतलब वो क्या हो जाएगा एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मींस हमने ऐसा एंटीसिपेट कर लिया है कि वो कॉन्ट्रैक्ट वाली डेट पर ब्रीच करने वाला है उसी से पहले, ठीक है। सो एक्चुअल में हम डेट पर आकर खड़े हुए हैं और एंटीसिपेटरी में हमें परफॉर्मेंस के डेट से पहले ही ऐसा अंदाज़ा हो गया है कि वहाँ पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। आई होप आपको ये एग्जाम्पल से दोनों चीज़ समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक्चुअल और एंटीसिपेटरी दो तरीके से ब्रीच होता है। अगर सबसे पहले हम एंटीसिपेटरी ब्रीच को समझने की कोशिश करेंगे तो देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकरिंग बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर परफॉर्मेंस हैज अराइव्ड। अभी तक क्या हमारा 1st of January की डेट आई थी, नहीं आई थी, उससे पहले ही प्रोमिसर ने रिफ्यूज कर दिया है कि वो अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करेगा, अनविलिंगनेस दिखा दी है अभी जबकि हमारा परफॉर्मेंस का टाइम आया ही नहीं है, तो वो उसे हम कहते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच। यस, अब एंटीसिपेटरी ब्रीच दो तरीके से हो सकता है, जैसे मैंने आपको बोला एक्सप्रेसली और इम्प्लाइड। इम्प्लाइड मतलब कि उसके कंडक्ट से हमको समझ में आ रहा है, बराबर है, और एक्सप्रेसली मतलब उसने खुद ने फ़ोन उठा कर बोला कि मैं आपका यह ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाऊंगा, उसने लिख कर भेजा है, उसने बोला है, उसने फ़ोन किया है, उसने मेल किया है, एक्सप्रेसली उसने अपनी जो अनविलिंगनेस है वो बता दी है, ठीक है, तो वो हो जाएगा एंटीसिपेटरी। ऑब्वियसली परफॉर्मेंस की डेट आई नहीं है, उससे पहले ही कुछ ऐसा काम हो गया तो एंटीसिपेटरी ना एक्सपेक्टेड है कि उस दिन पर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो पाएगा, ठीक है। अभी एग्जाम्पल्स यहाँ पर देखेंगे आप, तो एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया है आप उसे रिलेट कर पाएंगे। सो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया एग्जाम्पल में, वही
एग्जांपल है, ए ने बोला बी को कि मैं आपको 15 जुलाई को उसने बोला कि मैं 10 bales ऑफ कॉटन आपको मैं सप्लाई करूँगा, कब मैं आपको करूँगा, 14th of August को। अब 30 जुलाई को भाई साहब बोलते हैं कि मैं नहीं कर पाऊँगा, तो एक्सप्रेसली उन्होंने बोल दिया कि रिजेक्शन हो गया कॉन्ट्रैक्ट का, मतलब ये एक्चुअल ब्रीच हो गया। ठीक है, अब ए ने बोला बी को कि मैं आपको मेरा हॉर्स 50,000 में सेल करूंगा, और ए ने बी को बेचना था 50,000 में, कब, 10th of August को, उसने पहले ही सी को बेच दिया। तो इससे समझ में आ रहा है उसके कंडक्ट से कि एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करने वाला है। अब सेक्शन नंबर 39 जो बात कर रहा है किसके बारे में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एंटीसिपेटरी ब्रीच के बारे में, वो ये सब बातें करता है जो हमने यहाँ पर समझ ली है। इसका इफेक्ट क्या होगा, अब सामने वाली पार्टी जो है यानी कि जो प्रोमिसी है वो क्या कर सकता है, वो हाथों हाथ विदाउट वेटिंग फॉर वॉट, कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट की ड्यू डेट आए उससे पहले ही वो सामने वाली पार्टी को यानी कि प्रोमिसर को वो सू कर सकता है फॉर द डैमेजेस फ्रॉम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंड कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन भी कर सकता है यानी कि ख़त्म भी कर सकता है इमीडिएटली। इमीडिएटली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट वेटिंग अंटिल द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस हैज कम, उसको कोई बिल्कुल भी उसको रुकने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमारा यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट की डेट क्या थी, 1st of January थी, तो वो 1st of January का वेट नहीं करेगा। अगर उसको 30th को पता चल गई है कि यार ये तो ए फुलफिल नहीं करने वाला है अपना प्रॉमिस, तो वो 30th इटसेल्फ या फिर वो 31st को भी जाकर वो एक केस फाइल कर सकता है अगेंस्ट द प्रॉमिसर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए, तो पहला इफेक्ट तो ये होगा। दूसरा, ही मे इलेक्ट व्हाट नॉट टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं करेगा, थोड़ा ऑप्टिमिज्म उसका अच्छा है, ऑप्टिमिस्टिक इंसान है, तो वो बोल रहा है मैं ड्यू डेट के लिए वेट करूंगा, मैं इसको एक और मौका देता हूँ, 1 तारीख आन दो, अगर वो तब तक पूरा कर दे तो ठीक है, पार्ट में कुछ पूरा कर दे तो ठीक है, अगर बिल्कुल नहीं करेगा तो मैं नॉन परफॉर्मेंस के लिए इसको चार्ज कर दूंगा। सो ही मे इलेक्ट नॉट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज स्टिल ऑपरेटिव, यानी कि वो रिसाइन नहीं करेगा बट वो ये सोचेगा कि अभी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेटिव है, वो वेट करेगा कि परफॉर्मेंस का टाइम आ जाए, तब वो दूसरी पार्टी को रिस्पॉन्सिबल ठहराएगा फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन परफॉर्मेंस अगर वो नहीं करता है तो। ठीक है, सो ये हो गया इफेक्ट ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच, और एंटीसिपेटरी ब्रीच होता क्या है, तो अब बचा क्या, एक्चुअल, बराबर है, तो आइए एक्चुअल भी समझ लेते हैं। आपको अगर एंटीसिपेटरी समझ में आ गया है तो एक्चुअल तो बहुत ही ईजी है, लेट्स सी। अब देखिए, एंटीसिपेटरी ब्रीच का उल्टा है रिफ्यूजल टू परफॉर्म द प्रोमिस ऑन अ शेड्यूल्ड डेट। हमने बात करी थी कि 1 तारीख को वो डिलीवरी देगा और 1 ही तारीख को उसने हमको आकर मना किया, तो शेड्यूल्ड डेट पर ही उसने आकर हमको मना किया, बराबर है, तो वो हो गया एक्चुअल ब्रीच हो जाता है। द पार्टीज टू अ लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट आर बाउंड टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस, सही बात है, बट वन ऑफ द पार्टीज ब्रेक्स द कॉन्ट्रैक्ट बाय रिफ्यूजिंग टू परफॉर्म हिज प्रोमिस ही इज सेड टू हैव कमिटेड अ ब्रीच। इन दैट केस द अदर पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट ऑब्टेन्स अ राइट ऑफ एक्शन अगेंस्ट द वन हु हैज रिफ्यूज्ड टू परफॉर्म हिज प्रोमिस। बहुत ही लॉजिकल बातें लिखी है, इसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ब्रेक कर करके मैंने यहाँ पर पढ़ा है। तो एक्चुअल ब्रीच यहाँ पर कैसे होगा, देखिए, एट द टाइम व्हेन द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज ड्यू, तो इन्होंने बोला ए ने बी को कि मैं आपको 100 bags दूंगा शुगर के, कब दूंगा, मैं आपको 1st of February 2016 को दूंगा। ठीक है, और इसी दिन सुबह सुबह ए ने फोन किया बी को कि मैं नहीं कर पाऊंगा फर्स्ट को ही, तो जिस दिन परफॉर्मेंस होनी थी उसी दिन उसने मना कर दिया फोन करके, तो ये हो गया एक्चुअल ब्रीच। ये तो हो गया एट द टाइम व्हेन द परफॉर्मेंस इज ड्यू। सेकंड है ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट जब परफॉर्म हो रहा है करते करते ही उसने मना कर दिया है तो क्या होगा। अब यहां पर इन्होंने क्या बोला है कि ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ड्यू अभी था कॉन्ट्रैक्ट, पहले वाले पॉइंट में वो ड्यू था और उस दिन उसने मना कर दिया। अच्छा, परफॉर्मेंस इन्होंने चालू कर दी है, बराबर है, परफॉर्मेंस चालू कर दी और ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस उसने बोला कि यार अब ये काम नहीं हो पाएगा, मैं ऑब्लिगेशन पूरा नहीं कर पाऊंगा, दोनों चीज हो सकती है, चालू किया हो उससे पहले उन्होंने मना कर दिया, यानी कि उसी डेट की हम बात कर रहे हैं, 1st January को आके उसने मना कर दिया कि नहीं होगा, तो एक्चुअल ब्रीच है। 1st January पे उसने डिलीवरी चालू कर दी, ट्रक से सामान निकल गया, परफॉर्मेंस चालू हो चुकी है, बट बीच में से उसने ट्रक पलटवा दी या बोला यार मेरा ट्रक वाला नहीं आ सकता, तो ये क्या हुआ, ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस हो गया ना। सो ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट भी ब्रीच हो सकता है, एक्चुअल ब्रीच जिसकी बात चल रही है। सो अभी तक हमने एक्चुअल ब्रीच और एंटीसिपेटरी ब्रीच और ब्रीच का मीनिंग जो है वो हमने एग्जांपल के साथ में यहां पर समझ लिया है। ये आपको कलरफुल पेजेस हमारे दिख रहे होंगे,
होंगे जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब टाइम आ गया है रेमेडीज का, यानी कि ये ब्रीच क्या है सर, ये तो बता दिया आपने। अब सर ब्रीच हो गया, सामने वाली पार्टी को सर कुछ तो रेमेडी देनी पड़ेगी ना हम लोगों को। रेमेडी मतलब कि उसका इलाज करना पड़ेगा ना सर, उसको हेल्प करनी पड़ेगी, उसको कंपनसेट करना पड़ेगा, सामने वाले का नुकसान हो चुका है, उसके लिए हम क्या करेंगे। तो इन्होंने बोला कि इतनी सारी रेमेडीज अवेलेबल है बच्चों। तो क्या रेमेडीज अवेलेबल है? सबसे पहली रेमेडी है डैमेजेस वाली, दूसरी है कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म कर दो, तीसरी है कोर्ट के पास जाके बोलो कि इसने कहा था मुझे पेंटिंग देगा ये पिकासो की, तो इसको पेंटिंग देनी ही पड़ेगी कहीं से भी लाए। और कोर्ट अगर चाहे तो वो ऐसा वर्डिक्ट दे सकती है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो आपको करनी पड़ेगी, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए आप फाइल कर सकते हैं। अच्छा, इंजेक्शन ये इसका मतलब क्या है हम देखेंगे, और क्वांटम मेरिट का मतलब क्या है वो भी हम देखेंगे। इस तरीके से टोटल 5 हमारे पास में रेमेडीज अवेलेबल है जिसके बारे में हम समझने वाले हैं। बट सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे डैमेजेस के साथ में। अब डैमेजेस इतने इजी तो नहीं है, डैमेजेस यहाँ पर बोलते हैं कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के डैमेजेस हैं हमारे पास में, और वो टाइप्स कितने हैं, टोटल 5 डैमेजेस हैं जो हमको यहाँ पर समझने होंगे। तो सभी डैमेजेस को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इसी पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं और बाद में जाके हम इन छोटे छोटे पॉइंट्स को लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर दो सेक्शंस हमारे सामने आने वाले हैं, सेक्शन नंबर 73 और सेक्शन नंबर 74, ठीक है। 73-74 के थ्रू हम डैमेजेस को समझने वाले हैं, इनका मीनिंग क्या होता है, अलग अलग टाइप के डैमेजेस क्या होते हैं, और उन्हीं के हिसाब से उनके रेमेडी भी हमको वहाँ पर समझनी होगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, डैमेजेस को समझते हैं। 73 सेक्शन से यहाँ पर शुरुआत होगी कि सबसे पहले सूट फाइल किया जा सकता है फॉर डैमेजेस, डैमेजेस को क्लेम करने के लिए, जो लॉस हुआ है उसको कंपनसेट करने के लिए, जैसे ही ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ। हमेशा आपको ध्यान रखना, हम पढ़ के आ रहे हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जो हुआ है ऐसा लॉस के लिए कंपनसेशन की, ऐसे डैमेजेस की कंपनसेशन के लिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। सो लेट्स सी सेक्शन 73। अब देखिए सेक्शन 73 यहाँ पर बात कर रहा है बच्चों डैमेजेस के बारे में, और कैसे डैमेजेस यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेंगे। बट नॉर्मली एक लॉस हुआ है, डैमेज हुआ है, जो एक नेचुरल तरीके से हुआ है। आपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, ब्रीच करने की वजह से जो एक नेचुरल तरीके से यूजुअल कोर्स में जो लॉस हुआ है सिर्फ उसी का कंपनसेशन यहाँ पर मिलेगा। कोई भी रिमोट यानी कि छोटा सा कोई लॉस हुआ है कंपनसेशन नहीं मिलेगा। छोटा सा क्या है, बड़ा सा क्या है, वो हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि उनको कैसे को यहां पर मेजर करना है। और कोई इनडायरेक्ट लॉस है तो उसका भी यहां पर कंपनसेशन नहीं मिलेगा। मींस ब्रीच होने की वजह से डायरेक्ट जो लॉस हुआ है कंपनसेशन सिर्फ उसी का मिलने वाला है, और किसी इनडायरेक्ट या रिमोट डैमेजेस या लॉसेस का कंपनसेशन यहां पर नहीं मिलेगा। तो कितने पॉइंट हो गए, यूजुअल कोर्स में होना चाहिए, नेचुरली होना चाहिए जो भी लॉस हो रहा है या फिर आपको यहाँ पर डैमेज हुआ है, दोनों चीज़ें की बात चल रही है यहाँ पर, और कोई भी रिमोट है या फिर इनडायरेक्ट लॉस है, डैमेज है, उसका यहाँ पर कंपनसेशन नहीं मिलने वाला है, ठीक है। सो ये बात हुई सेक्शन नंबर 73 में। अब यहाँ पर 73 में और क्या बात चल रही है कि अगर ऐसे दूसरे भी कोई ऑब्लिगेशन है जो आपने प्रॉमिस किए थे अंडर द कॉन्ट्रैक्ट और वो आपने अगर पूरे नहीं किए हैं जो क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट थे एंड ये फेलियर हो चुका है कि आप उनको डिस्चार्ज नहीं कर पाए हैं, तो आपको सेम कंपनसेशन देना पड़ेगा। कौन सी पार्टी को, जिन्होंने यहाँ पर डिफॉल्ट किया है और जिन्होंने सही काम किया है नहीं किया है, एग्रीव्ड पार्टी को देना पड़ेगा उसको डिस्चार्ज करने के लिए, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात हो गई। एक्सप्लेनेशन 73 का अगर आप देखेंगे, 73 का तीन ही पॉइंट्स का एकदम फंडा क्लियर है। पहला, जो नेचुरली अराइज हुआ है सिर्फ उसी का कंपनसेशन मिलेगा जो यूजुअल कोर्स ऑफ इवेंट में होता है। दूसरा, कोई भी अगर आप स्पेशल डैमेजेस लेना चाहते हैं, वो स्पेशल डैमेजेस क्या है वो हम आगे देखेंगे, वो सिर्फ प्रीवियस नोटिस पर ही लिए जा सकते हैं। यानी कि आपको कोई ऐसा खतरनाक नुकसान हो गया, अब वो खतरनाक नुकसान हो गया तो आपने सामने वाली पार्टी को यानी प्रॉमिसर को बोला ही नहीं था कि आपके पास में ये कॉन्ट्रैक्ट भी है, वो मैं आपको आगे एग्जांपल दूंगा, ठीक है। तो अब उसका नुकसान सामने वाले को पता होना चाहिए था कि यार उसको सही टाइम पे हमें मशीनरी डिलीवर करनी पड़ेगी क्योंकि उसकी फैक्ट्री बंद पड़ी है और उसके पास में एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी है। अगर ये दोनों चीजें पता है प्रॉमिसर को तो दोनों के डैमेजेस आप ले सकते हो। अगर प्रॉमिसर को सिर्फ यही पता है कि आपकी फैक्ट्री बंद पड़ी है तो आप सिर्फ आपका जो फैक्ट्री बंद होने की वजह से जो प्रॉफिट का नुकसान हुआ है उसके डैमेजेस आप ले पाएंगे, दैट्स इट, ठीक है। ये स्पेशल जो डैमेजेस है वो मैं आगे और एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो प्रीवियस नोटिस होना चाहिए स्पेशल डैमेजेस अगर आपको क्लेम करना है तो, ठीक है, दिस इज लाउड एंड क्लियर। नेचुरल
जो होगा वो यूजुअल कोर्स में होगा, सिर्फ वही। कोई भी रिमोट या इनडायरेक्ट लॉसेस को आप यहाँ पर नहीं रिकवर कर सकते हैं। अब रेमेडीज की अगर बात चल रही है बाय वे ऑफ डैमेजेस, तो काइंड ऑफ डैमेजेस हमको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सेक्शन 73-75 में ये बातें की गई है। सबसे पहले एक जनरल या ऑर्डिनरी डैमेज होता है, सिंपल सी बात है, जो हमने अभी देखा है, जो नेचुरली होता है, जो यहाँ पर नेचुरली अराइज हुआ है, यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में हुआ है, सिर्फ वही, वो नेचुरल या फिर जनरल या फिर ऑर्डिनरी बोलने जाता है। स्पेशल मैंने आपको अभी जस्ट एक्सप्लेन किया, वो मैं और अच्छे से करूँगा। विंडक्टिव या फिर एग्जाम्पलरी, अब ये ऐसा है कुछ फीलिंग्स पे बेस्ड होता है, एग्जाम्पलरी, ठीक है, वो हम समझेंगे। नॉमिनल होता है, छोटे से अमाउंट वाला। डिटोरेशन कॉज्ड बाय डिले एंड प्री फिक्स्ड डैमेजेस, आइए तो एक एक लाइन के डैमेजेस हैं, इनको समझते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। अब ऑर्डिनरी के वर्ड से हमको समझ में आ रहा है, ऑर्डिनरी है, साधारण है, जनरल है, इसमें कोई भी स्पेशल बात नहीं है। अब यहाँ पर हेडले वर्सेस बैक्सनडेल का एक बहुत ही अच्छा केस लॉ है, हम उसको डिस्कस करेंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो ऑर्डिनरी का मीनिंग आप क्या समझेंगे, नेचुरली जो अरोज हुआ है वो यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स में, सिर्फ उसी को हम यहाँ पर नॉर्मल लॉस बोलेंगे और उसी का आप यहाँ पर कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। अब देखिए हुआ क्या, लेट्स से यहाँ पर मेरी एक बहुत बड़ी मिल है, ठीक है। नाउ इस मिल के अंदर मेरी बहुत सारी मशीन्स हैं, तो एक मशीन थी मेरी जो ख़राब हो गई, ठीक है। अब मैंने एक बंदे को बोला कि ये मशीन यार ये ठीक कर दो, तो उसने कहा ठीक है सर मैं ठीक करके दे देता हूँ, कितने दिन लगेंगे? उसने बोला सर 3 दिन में आपको मैं ये मशीन दे दूँगा, ठीक है, ओके मशीन दे दूँगा। इस पर्सन ने, जिसकी मिल थी, उसने इस पर्सन को अपनी मशीन दे दी सुधारने के लिए, ठीक है, ये रिपेयर करके आप मुझे दे दो, उसने कहा मैं 3 दिन में दे दूंगा। अब ये लाया 7 दिन बाद, यानी 7 दिन लेट लाया, मतलब कि टोटल 10 दिन बाद ये लाया। अब ए गया कोर्ट के पास में और इसने बोला कि एक तो 7 दिन तक मेरी फैक्ट्री एक्स्ट्रा क्लोज रही, ठीक है, तो मुझे उसका यहाँ पर प्रॉफिट का जो मुझे लॉस हुआ है, प्रॉफिट का जो लॉस हुआ है वो मैं क्लेम करूँगा, और साथ ही मैं मेरा ऑर्डिनरी जो एक यहाँ पर मशीन की वजह से लॉस हुआ है मैं वो तो क्लेम करने ही वाला हूँ। तो यहाँ कोर्ट ने पता है क्या बोला कि ए ने जब बी को मशीन दी तो उसने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि अगर आप मशीन मेरी जाने की वजह से मेरी यहाँ पर पूरी की पूरी मिल बंद पड़ी है, अगर वो ये स्पेसिफाई करता तो वो स्पेशल चार्जेस जो डैमेजेस है वो भी क्लेम कर पाता। बट हमने जैसे ऊपर देख के हैं, स्पेशल डैमेजेस को क्लेम करने के लिए आपको हमेशा नोटिस देना पड़ेगा सामने वाले पर्सन को, अगर वो नोटिस में है, उसको पता है, तो आप क्लेम कर पाओगे, वरना आप नहीं कर पाओगे। देखिए क्या बोला, द काउंट हेल्ड दैट पी वॉज एंटाइटल्ड ओनली टू ऑर्डिनरी डैमेजेस एंड डी वॉज नॉट लाइबल फॉर द लॉस ऑफ प्रॉफिट बिकॉज द ओनली इन्फॉर्मेशन गिवन बाई पी टू डी वॉज दैट द आर्टिकल टू बी कैरीड वॉज द ब्रोकन शेफ्ट ऑफ अ मिल एंड इट वॉज नॉट मेड नोन टू दैम दैट द डिले वुड रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ प्रॉफिट। आपने बोला ही नहीं यार कि देखिए मैं आपको, अगर वो ये बोलता कि मैं आपको ये मेरी एक मशीन दे रहा हूँ, ये 3 दिन बंद रहेगी मेरी मशीन की वजह से पूरी की पूरी फैक्ट्री, ठीक है, तो आप 3 दिन से एक भी दिन लेट मत करिएगा, मेरा काम यहाँ पर बहुत हैम्पर हो जाएगा, मुझे बहुत नुकसान हो जाएगा और 2-3 लाख रुपए का मुझे नुकसान। अगर इतना क्लियरली वो बोलता तो वो स्पेशल डैमेजेस को भी क्लेम कर पाता, यहाँ पर वो सिर्फ ऑर्डिनरी लॉस को क्लेम कर पाएगा, दैट्स इट, बस बाकी किसी चीज़ को वो क्लेम नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो ये हो गया हमारा ऑर्डिनरी डैमेजेस क्या होता है उसका एग्जाम्पल। अब एक और एग्जाम्पल इन्होंने क्या दे रखा है, ए ने बोला बी को कि मैं आपको 5,000 रुपीज़ का एक बैग जो आता है राइस का वो मैं आपको दूंगा, ठीक है, और उसकी डिलीवरी होगी 2 महीने के बाद में। अब 2 महीने के बाद में जब डेट आई डिलीवरी की, इसी का रेट हो गया 5,500 और ए ने डिलीवरी के लिए मना कर दिया। अब हुआ क्या, डिलीवरी के लिए मना कर दिया तो बी 500 रुपये एक्स्ट्रा कमाता जब वो इन राइस को बेचने जाता, तो पर 500 रुपये अब वो नहीं कमा पाएगा क्योंकि ए ने डिलीवरी ही नहीं करी। तो क्या बी यहाँ पर इन 500 रुपये को क्लेम कर सकता है? यस, क्योंकि ये 500 रुपये इसके क्या है, ऑर्डिनरी डैमेजेस है जो डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रीच हो रहे हैं, तो वो उनको क्लेम कर लेगा। तो स्पेशल डैमेजेस क्या है, तो स्पेशल डैमेजेस ये है कि अगर हम इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाएं कि मेरी मिल में से एक, अगर मेरी मशीन नंबर 1 बंद हो गई है, मैंने रिपेयर के लिए दी है और मैंने दे दी और मैंने उसको बोला कि मेरी जो पूरी फैक्ट्री है वो बंद रहेगी एक मशीन की वजह से, तो आप कितने दिन में डिलीवरी करोगे ठीक करके? उन्होंने कहा मैं 3 दिन में डिलीवरी कर दूंगा। उसने करी टोटल 10 डेज़ में, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल चल रहा था। इस बीच में मेरे पास में आ गया एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट ऑर्डर, ठीक है, और मशीन टाइम पे न आने की वजह से मेरा वो गवर्नमेंट ऑर्डर भी छूट गया। अब ये पर्सन कोर्ट के पास जाता है, वो बोलता है मैं प्रॉफिट तो लूँगा ही लूँगा जिसका मुझे नुकसान हुआ है,
इतना बड़ा गवर्नमेंट ऑर्डर की वजह से जो मुझे नुकसान हुआ है वो भी मुझे चाहिए। तो यहाँ पर कोर्ट क्या बोलता है कि बॉस, ये जो गवर्नमेंट ऑर्डर की बात कर रहे हो ना, ये एक स्पेशल चार्जेस है या फिर स्पेशल डैमेजेस है जो सामने वाली पार्टी को पता नहीं थे। उसको सिर्फ प्रॉफिट के बारे में पता था कि आपकी फैक्ट्री बंद रहेगी, तो आप सिर्फ प्रॉफिट को क्लेम कर सकते हो जो आपको ऑर्डिनरी चार्जेस है, आप स्पेशल डैमेजेस को क्लेम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ए इज़ एंटाइटल टू रिसीव फ्रॉम बी बाय वे ऑफ कंपनसेशन द एवरेज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विच वुड हैव बीन मेड बाय रनिंग द मिल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिले। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिले, 3 दिन का तो हम मान ही रहे थे, मतलब 7 दिन में जो प्रॉफिट का नुकसान हुआ है वो मैं क्लेम कर सकता हूँ। बट ही कैन नॉट रिकवर द लॉस सस्टेन्ड ड्यू टू द लॉस ऑफ द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट एज ए'ज कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट वॉज नॉट ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ बी। बी को थोड़ी ना पता है कि यार आपने कुछ गवर्नमेंट के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, तो वो हो गया था स्पेशल डैमेजेस, तो उनका हमेशा नोटिस होना जरूरी है। नाउ तीसरा क्या है, विंडिक्टिव और एग्जाम्पलरी डैमेजेस, ये सिर्फ 2 केसेस में होता है। विंडिक्टिव और एग्जाम्पलरी का अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे तो वो इस तरीके से होता है। अब इसका मीनिंग होता है विंडिक्टिव, मतलब तो होता है रिवेंजफुल, ठीक है। तो अगर कोई ऐसे रिवेंजियस एक्ट आपने किया है जिससे सामने वाले की फीलिंग्स हर्ट हुई है या फिर सामने वाले की रेपुटेशन में कुछ डैमेज हो गया है, भले ही उसको कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ होगा, बट अगर उसकी फीलिंग्स में और उसके रेपुटेशन में, उसके गुडविल में अगर कुछ लॉस हुआ है, तो वो उस पर्सन जो है वो उसके लिए भी डैमेजेस को क्लेम कर सकता है। जैसे सबसे पहला केस है, आपने बोला कि मैं आपसे शादी करूँगा, ठीक है, और आपने शादी नहीं करी, तो यहाँ पर इंजरी हुई है किस चीज़ की, फीलिंग्स की इंजरी हुई है। दूसरा केस क्या हो सकता है, जैसे बैंकर है, आप बैंकर ने आपका चेक गलती से बाउंस कर दिया, आपके अकाउंट में भरपूर बहुत सारा पैसा रखा हुआ था और फॉर रॉन्ग रीजंस आपके आपका जो चेक है वो बाउंस हो गया, राइट। अब इतना बड़ा बिजनेसमैन है, चेक डिसऑनर हो गया इतनी बड़ी पार्टी के सामने, बहुत बड़ी इज्जत के काकरे हो गए यहाँ पर, बराबर है। तो यहाँ पर ब्रीच हो गया, किस चीज़ का ब्रीच हुआ है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो गया, उसके होने की वजह से डैमेजेस क्या हुए हैं, जो एग्जेम्पलरी इन नेचर है, एकदम क्लासिक है और जो एग्जाम्पल सेट किया जा सकता है, ऐसे यहाँ पर डैमेजेस हो चुका है, गुडविल का लॉस यहाँ पर हो गया है, तो वो पर्सन बैंकर के ऊपर क्लेम कर सकता है कि मेरे रेपुटेशन के लॉस के लिए और मेरे गुडविल के लॉस के लिए आपको डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। तो ये क्या होते हैं, ये भी एक तरीके से स्पेशल डैमेजेस होते हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये गिबन्स वर्सेस मेस मिनिस्टर बैंक के साथ में हुआ था, तो एक बैंक ने यहाँ पर गिबन्स का चेक डिसऑनर कर दिया था फॉर रॉन्ग रीजंस और उसको हैवी डैमेजेस देने पड़े थे, ठीक है। तो ये होते हैं विंडक्टिव या फिर एग्जेम्पलरी डैमेजेस। नॉमिनल मतलब क्या होता है कि हकीकत में कोई डैमेजेस हुए नहीं है, कोई रियल डैमेजेस या फिर बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, बट जस्ट टू शो कि यार ये सामने वाली पार्टी गलत थी और ये अगर कुछ भी लॉस या डैमेज होता तो इसको देना पड़ेगा, तो एक नॉमिनल अमाउंट चार्ज कर दिया जाता है, 10 पैसे का, 1 रुपये का, कोई भी अमाउंट चार्ज कर दिया जाता है, तो नॉमिनल होता है। अच्छा, डिटोरिएशन कॉज्ड बाय डिले, मैंने आपको बोला कि आप टाइम पर मुझे इस चीज़ की डिलीवरी कीजिएगा, आपने नहीं करी, मेरे जो आर्टिकल है उसका डिटोरिएशन हो गया, यानी कि वो बेचने लायक नहीं बचा या फिर उनको बेचने जाऊंगा तो मुझे कम पैसे मिलेंगे, तो सिर्फ फिज़िकल बात यहाँ पर नहीं चल रही है, ओनली जस्ट नॉट फिज़िकल डैमेज की बात चल रही है, बट इट मे ऑल्सो मीन लॉस ऑफ स्पेशल अपॉर्चुनिटी टू सेल। जैसे मैंने आपको बोला कि आप एक स्पेशल ऑयल है, मशीन ऑयल, वो आप मुझे ला के दीजिए, मेरी मशीन मुझे यहाँ पर सेल करनी है तो उससे पहले मुझे ऑयलिंग करनी पड़ेगी, आप नहीं लाए, मेरी मशीन 1 महीने तक ऐसी रखी और ख़राब हो गई, तो ये हो गया डिटोरेशन फिजिकल। इसके साथ में और क्या हो सकता है कि अगर बीच में मुझे एक सेलर आ गया, बायर आ गया और वो ख़रीदने वाला था, बस उसने कहा यार ऑयलिंग नहीं है यार, मैं आपको 50,000 रुपये नहीं दूंगा, तो उस 50,000 का मेरा अपॉर्चुनिटी टू सेल भी चले गया, तो ये भी डिटोरेशन ऑफ पॉइंट में कवर हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे लास्ट जो है वो है प्री फिक्स्ड डैमेजेस। प्री फिक्स्ड डैमेजेस क्या होते हैं, कभी कभी पार्टीज़ जब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करती है तो पहले ही तय कर लेती है, कॉन्ट्रैक्ट में लिख लेती है कि अगर कोई भी ब्रीच होगा तो ब्रीच करने वाली पार्टी को 1,00,000 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है, ऐसा वो पहले से कॉन्ट्रैक्ट में लिख लेते हैं। अब यहाँ पर बात क्या आती है कि हकीकत में जो अमाउंट है लॉस का वो कम ज़्यादा भी हो सकता है ना। लेट से हकीकत में ब्रीच हो गया और लॉस हुआ सिर्फ 70,000 का, तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है 1,00,000 रुपये का, हकीकत में हुआ 70,000 का, कौन जीतेगा, 70,000 जीतेगा, ठीक है। लेट से हकीकत में लॉस हुआ कितने का, 1,50,000 रुपये का, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है 1,00,000 रुपये और
आपका हुआ 1.5 लाख रुपए का, तो यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट तो डिसाइडेड है, तो कौन जीतेगा? 1 लाख रुपए, ठीक है। सो यहाँ पर विच एवर इज लोअर वाला फंडा चलेगा उस हिसाब से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्री फिक्स्ड डैमेजेस, सर्टेन अमाउंट विल बी पेएबल एज डैमेज, उन्होंने पहले से ही लिख रखा है। 74 बोलता है कि इफ अ सम इज नेम्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट एज द अमाउंट टू बी पेड इन केस ऑफ ब्रीच, द अग्रीव्ड पार्टी इज एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द पार्टी एट फॉल्ट अ रीजनेबल कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट सो नेम्ड। जितना कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है मैक्सिमम सिर्फ उतने की बात चल रही है। विच एवर इज लोअर वाला फंडा यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और आप समझ जाए, ठीक है। सो ये हुआ प्रीफिक्स्ड डैमेजेस। तो मतलब प्रीफिक्स्ड डैमेजेस में दो चीजें आ गई, एक तो आ गई लिक्विडेटेड डैमेजेस और दूसरे आ गए हैं यहां पे क्या, लिक्विडेटेड के बाद में जिसको हम बोलते हैं पेनल्टी। तो लिक्विडेटेड डैमेजेस एक अलग बात है और पेनल्टी एक अलग बात है, वो सेक्शन 74 में इन दोनों का हम डिफरेंस समझते हैं आइए। बट सो फार हमने क्या समझ लिया है कि डैमेजेस के टाइप क्या होंगे। टोटल हमने यहाँ पर 5 डैमेजेस के टाइप देख लिए हैं, जनरल, स्पेशल, विंडिक्टिव, नॉमिनल, कॉज्ड बाय डिले एंड द लास्ट वन इज प्रीफिक्स्ड, यानी कि टोटल 6 हो चुके हैं यहाँ पर सबको मिला के। सो डैमेजेस के हम यहाँ पर टाइप्स क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि सबसे पहला जो रेमेडी है वो डैमेजेस को क्लेम करने की है, यही सबसे डिटेल में थी तो वो हम समझ रहे हैं। अब हमें क्या देखना है, लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी के बीच में हमें डिफरेंस देखना है, इसके बाद में हम स्टार्ट कर सकते हैं। दो दो लाइन के हमारे ये 4 पॉइंट्स है, उसको समझ के हमारा ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए 74 नंबर का जो सेक्शन है वो बात कर रहा है लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी के बारे में, इन दोनों के बीच में वो डिफरेंस बताएगा। हम ही इसको समझ लेते हैं और फिर हम रीड कर लेंगे टेक्स्ट में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। देखिए बच्चों, लिक्विडेटेड डैमेजेस, ठीक है, ये एक एक्चुअल टर्म है। एक्चुअल टर्म है मतलब कि दोनों पार्टीज़ ने एक अमाउंट डिसाइड किया, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा कि अगर कोई भी पर्सन यहाँ पर ब्रीच करता है तो उसको यहाँ पर 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे ब्रीच के वजह से, ठीक है। और दूसरी टर्म है हमारे पास में यहाँ पर पेनल्टी। पेनल्टी किस तरीके से होती है, पेनल्टी एक ऐसा ह्यूज अमाउंट है, ठीक है, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं अनशन, यानी कि कोई भी बड़ा सारा अमाउंट डाल दिया। अगर पेनल्टी होती, अगर यहाँ पर ब्रीच होती है तो कोई भी पार्टी अगर जो ब्रीच करेगी उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी 1 करोड़ रुपए की। अब देखिए 1 करोड़ रुपए यहाँ पर कोई लॉजिकल अमाउंट हुआ ही नहीं है, यानी कि पेनल्टी क्यों लगाई जाती है, सामने वाले पर्सन को फोर्स करने के लिए कि वो सही तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करे और ब्रीच ना करे, ताकि उसको इतने बड़े अमाउंट का डर लगा रहे। बट लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं, लिक्विडेटेड डैमेजेस एक अच्छा एस्टीमेट है, राइट, इट इज़ अ राइट अमाउंट ऑफ एस्टीमेट जो लगाया जाता है लॉस का और उसी के हिसाब से पेमेंट किया जाता है, नॉट मोर देन दिस, इससे ज़्यादा 1 लाख के ऊपर अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया है तो कोई भी पार्टी इससे ज्यादा पेनल्टी या फिर लिक्विडेट डैमेजेस नहीं देगी। बट पेनल्टी का सिस्टम क्या है, ये कोई एस्टिमेट बिठा के नहीं किया जा सकता, कुछ भी अमाउंट लिख दिया जाता है। सो यहां पर दो तरीके से समझा जाएगा इन दोनों टर्म्स को, एक होगा इंग्लिश लॉ के हिसाब से और एक होगा इंडियन लॉ के हिसाब से। तो इंग्लिश लॉ के हिसाब से अगर हम बात करें तो जो मैंने अभी आपको बताया है कि जो एक राइट एस्टिमेट से किया गया एक अमाउंट कॉन्ट्रैक्ट में डाला गया है वो लिक्विडेटेड डैमेजेस होता है, और एक इनॉर्मस अमाउंट, ह्यूज अमाउंट डाल दिया गया है विदाउट एनी एस्टिमेट, उसे हम यहाँ पर पेनल्टी कहते हैं। इंग्लिश लॉ इन दोनों चीज़ों में बाइफिकेट करता है बट इंडियन लॉ नहीं करता है। इंडियन लॉ का सीधा सा सिस्टम है यहाँ पर, वो बोलता है, यानी कि कोर्ट बोलती है कि हम एक्चुअल लॉस को पता करने की कोशिश करेंगे, जो भी एक्चुअल लॉस हुआ होगा उसके हिसाब से हम कंपनसेशन कर देंगे। बट हाँ, अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा 1 लाख रुपए और एक्चुअल लॉस 1.5 लाख का भी हुआ है तो हम 1 लाख से ज़्यादा कंपनसेशन नहीं हो सकता, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में जो अमाउंट लिख दिया है ना उससे ऊपर तो हम नहीं जा सकते, ठीक है। सो ये इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ की बात है, आप इनको यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं, यही चीज़ मैंने आपको बताई है। एग्जाम्पल्स उन्होंने यहाँ पर दे रखे हैं। डिस्टिंक्शन की अगर आप बात करेंगे देख लीजिए, सम पेबल इज सो लार्ज एज टू बी फार इन एक्सेस ऑफ द प्रोबेबल डैमेज ऑन ब्रीच, इट इज़ सर्टेनली पेनल्टी। बराबर, बहुत ज़्यादा अमाउंट है यार, इतना तो लॉस हो ही नहीं सकता, 1 करोड़ रुपए क्या डाल दिए तो पेनल्टी होगी। वेयर अ सम इज एक्सप्रेस टू बी पेबल ऑन अ सर्टेन डेट एंड अ फर्दर सम इन द इवेंट ऑफ द डिफॉल्ट बीइंग मेड, द लेटर सम इज अ पेनल्टी बिकॉज मेयर डिले इन पेमेंट इज अनलाइकली टू कॉज डैमेज। इन्होंने क्या लिखा है कि इस दिन पर आपको इतने पैसे देने हैं। वेयर अ सम इज एक्सप्रेस टू बी पेबल ऑन अ सर्टेन डेट एंड फर्दर सम, और अमाउंट आपको देना पड़ेगा अगर आप इस डेट के बाद में कोई पैसा देंगे, तो वो क्या होती है, पेनल्टी होती है। कैसे, मैंने आपको बोला
कि आपको ये 1 लाख रुपए मुझे 1 जनवरी के देने हैं, अगर आप या 10 जनवरी को देने हैं। अगर आप ये 1 लाख रुपए 10 तारीख के बाद में देते हो तो आपको 1.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या है, ये 50,000 की पेनल्टी है, ठीक है। बिकॉज मेयर डिले इन पेमेंट इज अनलाइकली टू कॉज डैमेज। तीसरा पॉइंट, द एक्सप्रेशन यूज बाय द पार्टी इज नॉट फाइनल, द कोर्ट मस्ट फाइंड आउट वेदर द सम फिक्स्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट इज इन अ ट्रुथ अ पेनल्टी और लिक्विडेड डैमेज। दोनों पार्टीज तो कुछ भी लिख सकती है, कोर्ट यहाँ पर डिसाइड करेगा कि वो पेनल्टी है कि लिक्विडेटेड डैमेजेस है। अगर इफ द सम जो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में दिया गया है इज एक्स्ट्रावेगेंट और एग्जॉर्बिटेंट, यानी कि बहुत ही ज्यादा बड़ा अमाउंट है, द कोर्ट विल रिगार्ड इट एज ए पेनल्टी इवन इफ इट इज टर्म्ड एज लिक्विडेटेड डैमेजेस इन द कॉन्ट्रैक्ट। आपने लिख दिया 1 करोड़ का लिक्विडेटेड डैमेजेस, होता थोड़ी है यार 1 करोड़ रुपए का। अगर वो एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट है तो कोर्ट बोल देगी कि यार लिक्विडेटेड डैमेजेस लिखो, कुछ भी लिखो, ये पेनल्टी का नेचर है। यानी कि बादशाह कौन है यहाँ पर, कोर्ट है, वो यहाँ पर डिसाइड करने वाली है, ठीक है। द एसेंस ऑफ अ पेनल्टी इज पेमेंट ऑफ मनी स्टिपुलेटेड एज अ टेरियम ऑफ द ऑफेंडिंग पार्टी, द एसेंस ऑफ लिक्विड डैमेजेस इज अ जेन्युइन प्री एस्टिमेट ऑफ द डैमेज। जेन्युइन प्री एस्टिमेट कि यार अगर आपने ये नहीं किया ना, ये कार आपने मुझे इस दिन पे नहीं देना, तो इस कार की वैल्यू ना 8 लाख रुपए मार्केट में है, मुझे नुकसान हो जाएगा 7 लाख रुपए का मिनिमम, 7 लाख रुपए का ब्रीच हम डाल देते हैं। तो ये एक जेन्युइन प्री एस्टिमेट है जो लिक्विडेटेड डैमेजेस के नाम से जाना जाता है। बट पेनल्टी का जो काम है ना, एसेंस है ना, वो डर क्रिएट करना है, यानी कि वो सामने वाला पार्टी एकदम ब्रीच ना करे, ओके, ये पेनल्टी होती है। इंग्लिश लॉ में फ़र्क पड़ता है, इंडिया में फ़र्क नहीं पड़ता है। हमको क्या करना है, एक्चुअल लॉस को हम पता करने की कोशिश करेंगे और वही अवॉर्ड करेंगे जितना नुकसान उनका हुआ है। हाउएवर, सबसे इम्पॉर्टेंट, नॉट एक्सीड द सम सो फिक्स्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। बस तो ये हो गया हमारा डिस्टिंक्शन, ये हो गया सेक्शन नंबर 74। उससे पहले हो गया सेक्शन नंबर 73 जिसमें हमने पढ़ लिए हैं डैमेजेस को। तो 73, 74 हमारा यहाँ पर कवर हो गया है। अब हम क्या समझ सकते हैं, बचे हुए हमारी दूसरी रेमेडीज 2, 3 और 4, यस बिल्कुल समझ सकते हैं। आइए फटाफट इन तीनों चारों को पढ़ते हैं और हमारा इस चैप्टर को यहाँ पर ही फिनिश ऑफ करते हैं। अब अगली रेमेडी क्या थी, रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। क्या अगर किसी पार्टी ने ब्रीच कर दिया है तो सामने वाली पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या खत्म कर सकती है, बिल्कुल खत्म कर सकती है। क्यों, क्योंकि उसने अपना परफॉर्मेंस वहां पर नहीं किया है। अब देखिए, ए ने प्रॉमिस किया बी को कि वो 50 बैग सीमेंट के उसको किसी एक दिन पर डिलीवर करेगा। बी ने अग्री किया कि वो उसको अमाउंट पे करेगा जैसे ही उसको गुड्स मिल जाएंगे, यानी कि डिलीवरी पर वो पेमेंट कर देगा, ओके। बट ए ने डिलीवर करी ही नहीं, तो क्या बी को पेमेंट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। इसे हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल प्रॉमिस। अभी हम आगे वाली यूनिट में पढ़ क्या है कि तू डिलीवरी कर, मैं पेमेंट करूंगा। डिलीवरी नहीं करी तो पेमेंट करने की कोई बात ही नहीं आती है। ये भाई साहब ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो गए हैं और इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिसाइन हो गया है, रिसेशन हो चुका है, ठीक है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्या है, क्वांटम मेरिट। अभी क्वांटम मेरिट क्या होता है, लेट्स सी। अब देखिए, क्वांटम मेरिट मतलब क्या होता है, यानी कि जितना आपने हकीकत में मेहनत करी है ना, उतना पैसा आपको मिलना चाहिए, व्हाट यू डिजर्व। जितने की आपने सर्विसेज दी है उतना पैसा आप दो, ये क्वांटम मेरिट, यानी कि जितना आपने मेरिट पे काम किया है उतना उतना क्वांटम में आपको पैसा मिलना चाहिए। ये डॉक्ट्राइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, व्हेन वन पर्सन हैज रेंडर्ड सर्विसेज टू अनदर इन सर्कमस्टांसेस व्हिच इंडिकेट एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम दैट इट इज टू बी पेड फॉर, ऑल्दो नो पर्टिकुलर remuneration has been fixed, the law will infer a promise to pay. इसका मतलब क्या, सिंपल सी बात है। देखिए, अब दो दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। इस बंदे का घर टूट गया और गिरने वाला है, लेट्स सपोज गिर गया, इसके पास में कोई रहने की जगह नहीं है। तो इस फ्रेंड ने बोला, एक काम कर, तू मेरे यहाँ पर आकर रह ले। अब ये बंदा यहाँ पर इसके घर में 3 साल तक रहा, ठीक है, 3 साल तक रहा। दोस्ती के नाते किसी ने कोई रेंट की बात ना करी, ना होने दी, ठीक है। कुछ सालों बाद इन दोनों के बीच में अगर झगड़ा होता है तो क्या ये जो पर्सन है वो क्या बोलेगा कि यार भाई तू रेंट दे, 3 साल मेरे घर पे रहा है, लड़ाई किस बात की कर रहा है। ये बोलेगा, तूने बोला का, हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ ही नहीं। तो यहाँ पर आएगा डॉक्ट्राइन क्वांटम मेरिट का सामने। क्वांटम मेरिट मतलब क्या होता है कि जो सर्विसेज एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को दी है इस सरकमस्टांसेस में कि दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग थी, भले ही दोनों के बीच में कोई रेम्यूनरेशन फिक्स नहीं भी हुआ हो, तो लॉ बोलता है कि प्रॉमिस टू पे तो आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा। सीधी सी बात है, जितनी सर्विसेज आपने ली हैं वो आप डिजर्व करते हो, उसके लिए आपको उतना पैसा मिले। अगर नहीं होता है तो क्या होता है, इट कवर्स अ केस वेयर द पार्टी इंजर्ड बाय द ब्रीच हैड एट द टाइम ऑफ ब्रीच डन पार्ट बट नॉट ऑल ऑफ द वर्क विच ही इज बाउंड टू डू अंडर द कॉन्ट्रैक्ट and seeks to be compensated for the value of the work done.
इन शॉर्ट इसका एग्जांपल यही जो मैंने आपको दिया है, बट इसके लिए दो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। वो क्या है, एक तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट पूरा डिस्चार्ज हो जाना चाहिए, सीधी सी बात है। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट अगर वही आपने डिस्चार्ज नहीं किया है तो आप ये क्वांटम मेरिट की बात मत कीजिए। और क्लेम मस्ट बी ब्रॉट बाय अ पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट, जो डिफॉल्ट में नहीं है सिर्फ वही पार्टी क्वांटम मेरिट वाले क्लेम को यहाँ पर ला सकती है। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर क्वांटम मेरिट को कब यूज़ किया जाएगा, इसका क्लेम कब किया जाएगा। तो देखिए, दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, अब वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं रहा, चाहे वो वॉइड हो गया या वॉइडेबल है, पर किसी ने काम किया है उसको उसके काम का तो पैसा मिलना चाहिए। तो अगर एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया है या होने वाला है तो सामने वाली पार्टी ने अगर कुछ काम किया है तो उसको पैसे दो यार, जो मेहनत करी उसके पैसे दो। अच्छा, किसी ने कुछ काम किया और उसका इंटेंशन ये नहीं था कि वो ग्रेटिट्यूसली करें, यानी कि एहसान मतलब ऐसे ही कर दे बस, वो बिना किसी पैसे के मकसद के कर ही नहीं रहा था, तो उसने जो काम किया है उसको आप उसके बराबर पैसे दो। जैसे आपको फ़ोन की ज़रूरत थी, आप मेरे पास में आए, मेरी शॉप है फ़ोन की, और उसने कहा यार भाई एक फ़ोन की ज़रूरत है और मेरा ये फ़ोन टूट गया है, मुझे प्लीज़ यूज़ करने के लिए दे, मैंने उसको दिया। ठीक है, अब मेरा कोई मकसद ही नहीं फ्री में देने के लिए, बट वो ले गया, उसने कहा तूने दे दिया था मैंने रख लिया, ऐसा नहीं हो सकता, उस फ़ोन के पैसे उसको मुझे देने ही पड़ेंगे। अच्छा, एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कोई था ही नहीं जिसमें रेम्यूनरेशन की बात की गई है, तो अगर रेम्यूनरेशन मेंशन नहीं किया है तो आप क्वांटम मेरिट को यूज़ कर सकते हैं। और क्या है, एक पार्टी ने अबंडन कर दिया है, एक ने तो परफॉर्म कर दिया, एक ने परफॉर्म नहीं किया है, तो जिसने परफॉर्म किया उसको पैसे दो ना यार उस चीज़ के, वो फोकट में काम कर रहा है क्या। आगे, वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिविजिबल एंड द पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट हैज इंजॉयड द बेनिफिट ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस नॉट इन डिफॉल्ट। देखिए, इसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, कॉटन के 100 बेल्स ए ने अग्री किया, वो डिलीवर करेगा, 1000 रुपये का एक बेल है, ठीक है, दो इंस्टॉलमेंट में, 50 का और 50 का, एक 50 का तो डिलीवर उसने कर दिया है, एक 50 का उसने डिलीवर नहीं किया है। तो जो पार्टी है, जो प्रोमिसी है, जो रिसीव करने वाला है, यानी कि बी, जिसने 50 तो रिसीव कर लिए हैं उसको 50 के तो पैसे देने ही चाहिए ना। वो बी ये नहीं बोलेगा कि टोटल 100 जब करोगे तभी मैं पैसे दूंगा, नहीं, 50 आपने रिसीव करे हैं, 50 के तो पैसे आपको देने ही पड़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ है वो अलग बात है, पहले आप 50 के पैसे दो, सीधी सी बात है। और लास्ट बात क्या है, व्हेन एन इनडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट फॉर लम सम इज कंप्लीटली परफॉर्म्ड बट बैडली, द पर्सन हु हैज परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट कैन क्लेम द लम सम बट द अदर पार्टी कैन मेक अ डिडक्शन फॉर बैड वर्क, यानी कि गलत काम जो हुआ उसका डिडक्शन आप कर सकते हैं, पूरा लमसम अमाउंट जो तय किया है वो तो आपको देना ही पड़ेगा, डिडक्शन के पैसे आप काट लो। ठीक है, सो ये कुछ टोटल 6 पॉइंट्स है जहाँ पर आप क्वांटम मेरिट को यूज़ कर सकते हैं, ये भी एक रेमेडी है अपने आप में, इसलिए उसको क्वांटम मेरिट में रेमेडी को ही डाला गया है। रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी रेमेडी है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, डैमेजेस को हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। अब क्या बचा है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए आप सूट फाइल कर सकते हैं, ठीक है, कोर्ट अपने डिस्क्रिप्शन पे उसको वहां पर बोलेगी। इंजक्शन का मतलब क्या होता है, तो देखिए, एक फिल्म स्टार है, उसने अग्री किया कि एक्सक्लूसिवली वो एक प्रोड्यूसर के लिए 1 साल तक वो एक्ट करेगा, बराबर है, बट ड्यूरिंग द ईयर शी कॉन्ट्रैक्टेड टू एक्ट फॉर सम अदर प्रोड्यूसर ऑल्सो हेल्ड शी कुड बी रेस्ट्रेंड बाय एन इंजक्शन, यानी कि कोर्ट बीच में आकर उसको बोल सकती है कि आप सारे कॉन्ट्रैक्ट बंद करो, आपने बोला था आप इस प्रोड्यूसर के लिए काम करोगे, दीपिका पादुकोण ने अगर कॉन्ट्रैक्ट किया है संजय लीला बंसाली के साथ में कि मैं 1 साल तक आपकी ही मूवीज़ करूँगी तो और किसी प्रोड्यूसर की मूवीज़ नहीं कर सकती, अगर कर सकती है उसके सारे काम में इंजक्शन चालू हो जाएगा, कोर्ट बीच में आ जाएगा और उसको रिस्ट्रेन करेगा फ्रॉम डूइंग अदर प्रोजेक्ट्स, तो इसे कहते हैं सूट फॉर इंजक्शन। ठीक है, अब लास्ट में 75 सेक्शन क्या बोल रहा है, पार्टी राइटफुली रिसाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट एंटाइटल्ड टू कॉम्पनसेशन, कि जो भी पार्टी इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर रही है उसको अब कोई भी डैमेजेस होंगे तो उसका उसको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, बस दैट्स इट। तो ये हुआ हमारा पूरा चैप्टर या फिर पूरी यूनिट हम बोल सकते हैं। अगर हम स्टार्टिंग में आते हैं तो आप देखेंगे हमने ब्रीच की बात करी थी, प्रोमिसर प्रोमिसी दोनों पार्टी ब्रीच कर सकते हैं, जो भी यहाँ पर ब्रीच कर रहा है, ठीक है, ब्रीच के वेज क्या क्या है, तो हमने वेज यहाँ पर डिस्कस कर लिए थे कि यहाँ पर तरीका है एंटीसिपेटरी ब्रीच हो सकता है, एक्चुअल ब्रीच हो सकता है, ठीक है, दोनों को हमने यहाँ पर समझा एग्जांपल्स के साथ में। अच्छा, रेमेडीज़ क्या क्या होगी, तो डैमेजेस के अंदर हमने देखा ऑर्डनरी स्पेशल विंडिक्टिव नॉमिनल और प्रीफिक्स के अंदर लिक्विडेटेड और पेनल्टी के बीच में हमने डिफरेंस देखा कि इतने तरीके के डैमेजेस का आप सूट फाइल कर सकते हैं, रेमेडी आप ले सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर सकते हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए बोल सकते हैं, इंजेक्शन हो सकता है और क्वांटम मेरिट भी हो सकता है।
सकता है। इतने सब हमने सेक्शन यहाँ पर कौन कौन से पढ़े हैं, 73, 74 और 75, और सेक्शन नंबर 39 से शुरुआत हुई थी। ये चार सेक्शन आप यहाँ पर याद रखिए। ये यूनिट नंबर फिफ्थ हमारी यहाँ पर ख़त्म होती है। यूनिट नंबर सिक्स को हम अगले वीडियो में लेके आएंगे, जहाँ पर वो जो लास्ट यूनिट होगी इस पूरे चैप्टर की, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, जिसमें हम कंटिजेंट और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स को समझने वाले हैं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको वीडियोज़ पसंद आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं तो प्लीज़ ईकेड़ा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। देखने के लिए धन्यवाद।